नमस्कार, मेरा नाम है यशस्वी गुप्ता और आपका स्वागत है लाइव लॉ में। आज हम बात करेंगे कर्नाटका के जॉब रिजर्वेशन बिल के बारे में। कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024 को 15 जुलाई को मिस्टर सिद्धरमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई। इस बिल का ड्राफ्ट सरोजनी महिषी कमेटी रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जहां पर 50 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं, वहां 65% और 80% नौकरियां ए और बी कैटेगरीज में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए, जबकि सी और डी कैटेगरी में 100% कोटा दिया जाए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये बिल क्या कहता है। ये बिल स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को रिजर्व करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस बिल में सभी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट्स को मैनेजमेंट रोल्स के लिए 50% और नॉन मैनेजमेंट रोल्स के लिए 75% स्थानीय उम्मीदवारों यानी लोकल कैंडिडेट्स को नियुक्त करने के लिए बात करेगा। इसके अलावा इस बिल में सी और डी ग्रेड की नौकरियों में 100% स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के आरक्षण का भी प्रस्ताव है। हालांकि सी और डी ग्रेड की नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान मुख्यमंत्री के हटाए गए पोस्ट के कारण अस्पष्ट बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि इस बिल के तहत कौन कौन एलिजिबल है। बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक में पैदा हुआ है, पिछले 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा है और जिसे कन्नड़ भाषा पढ़ने या लिखने आता है, उसे लोकल रेजिडेंट के रूप में माना गया है। और साथ ही इस बिल के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी भाषा प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। कर्नाटक से पहले साल 2019 में आंध्र प्रदेश, 2020 में हरियाणा और 2023 में झारखंड ने प्राइवेट कंपनीज में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की थी। चलिए एक एक करके इनके बारे में संक्षिप्त में समझते हैं। वर्ष 2019 में राज्य विधानसभा ने आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बिल पारित किया था, जिसका उद्देश्य था कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। इस बिल ने 30,000 रुपए की मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए 75% तक आरक्षण अनिवार्य किया था। यह मामला जब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंचा तो उसने 2020 में इस बिल को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब बात करते हैं हरियाणा की। 2020 में हरियाणा ने एक बिल पारित किया जिसने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय नौकरी चाहने वालों के लिए 30,000 रुपए प्रति माह तक की 75% नौकरियां आरक्षित की। इसके बाद इस बिल को जल्द ही गवर्नर की भी मंजूरी मिल गई। इस कानून को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने चुनौती दी, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कहा कि इसने मिट्टी के बेटे के आधार पर आरक्षण बनाया। उन्होंने दावा किया कि यह कानून हरियाणा के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने पाया कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का भी उल्लंघन करता है और ये भी कहा कि एक राज्य किसी व्यक्ति के दूसरे राज्य से संबंधित न होने के कारण उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं साल 2023 में झारखंड के बिल में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण रखा गया। राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने बिल को वापस करते हुए हेमंत सोरेन सरकार से इसे पुनर्विचार करने को कहा। यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(a) का उल्लंघन कर रहा था और इसे अभी तक झारखंड में लागू नहीं किया गया है। तो ये थी इन तीनों राज्यों में अब तक जॉब रिजर्वेशन बिल से संबंधित मुद्दे के बारे में एक छोटी सी अपडेट। आपको बताना चाहूंगी कि कर्नाटक जॉब रिजर्वेशन बिल पर 17 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि इसे अस्थायी रूप से रोका गया है और समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बिल को किन नए बदलावों के साथ दोबारा पेश करती है और क्या फैसला लेती है। इस मुद्दे पर आगे के अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और फॉलो करें लाइव लॉ। थैंक यू।